पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच, पाकिस्तान 7 विकेटों से कामयाब। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दूसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्न ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो नीदरलैंड की पूरी टीम 186 रन पर ढेर हो गई। नीदरलैंड की जानिब से वेस्ट डिली ने सबसे ज्यादा 99, जबकि टॉम कूपर 66 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 3-3, जबकि नसीम शाह दो खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। 187 रन के हदफ के ताकों में फखर जमान और इमाम हुसैन जल्दी आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन पार्टनरशिप कायम की। बाबर आजम 57 रन बनाने के बाद आउट हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान 69 रन के साथ नॉट आउट रहे और आगा सलमान ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर अपनी 50 मुकम्मल की। अगर हम बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट टेबल के बारे में तो पाकिस्तान की टीम चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इंग्लैंड के 125, बांग्लादेश के 120, जबकि पाकिस्तान के 110 पॉइंट्स हैं।